नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग जुड़िएगा और शेयर जरूर करेंगे वीडियो को, क्योंकि भाई देखिए, यह सारी चीज़ें आपके लिए किया जा रहा है और पर्यावरण के लिए विशेष रूप से यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, जैसे कि आपको पता है, पर्यावरण का विधिवत सारा लेक्चर आपको दे दिया गया, चाहे आप यूपी टेट में बैठें, चाहे सुपर टेट में बैठें, चाहे आने वाले किसी भी सिविल सेवा एग्जाम में बैठें, या फिर भाई आर ओ जो भी वैकेंसी हो, या फिर आने वाला जो लेखपाल की वैकेंसी हो, बच्चों सबके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। अब पर्यावरण का 4-5 सीरीज लगातार आएगा, तो आप लोग इसे देखना ना भूलें। और यहाँ से चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एक तरह से करंट अफेयर भी है, अपडेट है पारिस्थितिकी, हम पूरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ने वाले हैं इसमें क्रम से। आज यह पहला लेक्चर है साथियों उसके क्रम में, जिसमें हम देखेंगे बाघ अभयारण्य, उसमें आपको भी बताएंगे कैट्स क्या होता है, CATS क्या होता है बच्चों, CATS क्या होता है, कैट्स, इसके बारे में समझेंगे। और एक चीज याद रखना, टाइगर रिजर्व इस समय हमारे भारत में कितने हो गए हैं, पहले इसकी संख्या 52 थी बच्चों, 52वां नंबर का हमने छोटा सा क्लिप शॉर्ट वीडियो बनाकर बनाया था आप लोगों के लिए, जब वह बना था रायगढ़ विषधारी बच्चों, यह बूंदी में है, राजस्थान के बूंदी में पड़ जाता है, याद रखना 52वें नंबर का बना था। और 53वें नंबर का बच्चों जो बना है गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ का बच्चों, यह बना है छत्तीसगढ़ का, अभी हाल ही में इसको बनाया गया है, लगभग 2 महीने पहले ही। तो याद रखना, अब पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व कितना हो गया है हमारे भारत में, टाइगर रिजर्व की केवल बात करें बच्चों तो 53 हो गया बच्चों, इस बात को याद रखना भाइयों, जहां से प्रश्न बनेंगे एक नंबर आपका तय हो जाएगा यहां से, क्योंकि पिछली कई सालों से या फिर कई वर्षों तक हमारे भारत में जो टाइगर रिजर्व थे वो 50 संख्या में थे, लेकिन हाल फिलहाल में एक साल के अंदर 3 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। याद रखना, राजस्थान के बूंदी में रायगढ़ विषधारी है ना, यह बना है। इसके बाद गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह दोनों तो आपको रट जाना है, याद रखना बच्चों, इसको किसी भी तरह भूलना नहीं हमें। और एक और बना है जो कि परम्बिकुलम केरल का है शायद, इस तरह से है, तो हमको रट जाना है, भूलना नहीं है, एक एक चीज आपको याद कर लेने हैं। अब हम क्रम से बताएंगे, 50 के या फिर 53 के 53 हमें नहीं रटने हैं, हमें सिर्फ 14 ध्यान देना है, 14 के 14 हमारे जुबान पे होना चाहिए, याद रखना बच्चों, किस राज्य का है, यहां से प्रश्न बनेंगे, शायद ही इससे बाहर आए। तो इसके लिए हम एक बिल्कुल मैप सिस्टम से आपको 50 के 53 के 53 आपको दिखा देंगे लोकेशन, और कब ये स्टार्ट हुआ था सब कुछ इसके डिटेल में हम सारी चीजें आपको दिखाएंगे। अगर बाघ की बात करें तो बाघ की बात करें बच्चों, तो हमारे यहाँ बाघों की जो संख्या है लगभग 2967 है, 67, और सबसे ज्यादा जो भारत में बच्चों बाघ होते हैं, बाघ पाए जाते हैं, वो मध्य प्रदेश में है, फिर इसके बाद नीचे कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर इस तरह से क्रम में है, तीनों आपको याद रखना है, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में, फिर नीचे कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में है, इस तरह से क्रम आप याद रखेंगे जहां से प्रश्न बनेंगे बच्चों। 526 या फिर 525 है हमारे मध्य प्रदेश में, 526 है, 526 कहां पे, मध्य प्रदेश में, उससे 2 कम या फिर 1 कम है हमारे नीचे कर्नाटक में, इसके बाद ऊपर है, इस तरह से क्रम है, हम इसको डिटेल में एक लेक्चर लाएंगे, लेकिन यह जो हमारा बताने का मतलब है यह अपडेटेड लिस्ट है बच्चों, यह करेंट से भी रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले याद रखना वैश्विक संरक्षण बाघ मानक कैट्स क्या होता है। कैट्स वह चीजें होती हैं बच्चों, वह एक तरह से संस्थान है जो कि भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व है या फिर जो भी संस्थान है विलुप्त प्राय है या फिर जो अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं उसको कैट्स में शामिल किया जाता है। कैट्स एक प्रकार की संस्थान है बच्चों, मानक है, जो कि बाघ के लिए यह जाना जाता है, और बाघों की जितनी भी मानक सूचियां हैं, मानक या फिर उनके रहनवास हैं बच्चों, उसको यहां पर ऐड किया जाता है। इस तरह से भारत में जैसे रामसर साइट आपने सुना होगा, जो कि ईरान का रामसर साइट, उस पर भी एक अपडेटेड लेक्चर लाएंगे, जो कि हाल ही में यूपी में बढ़ाया गया है 9वें नंबर का, मतलब कि यूपी में पूरे के पूरे रामसर साइट की संख्या 9 हो गई है, है ना, तो हम उसको लाएंगे एक वीडियो, उसमें भी बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो होगा, आप उसे आप जरूर देखेंगे। इससे पहले भी लेक्चर आ चुके हैं, पर्यावरण का लिस्ट है, प्लेलिस्ट में आ जाइए, धमाल मचा दीजिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले बच्चों। यहाँ से देखना बच्चों, जो रामसर साइट है, अब अगर इसकी संख्या बात करें, भारत में 47 हो गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है भारत में के यूपी में 9 हो चुके हैं, अभी हाल का जो अपडेटेड लिस्ट 9वें नंबर का यूपी में आया है। तो चलिए हम क्रम से याद कर लेते हैं, कैट्स क्या होता है आपको समझ में आया, कैट्स मतलब सीए और स्लैश देकर टीएस लिखा होता है, जिसका मतलब एक संस्थान है बच्चों, या जो कि वैश्विक स्तर पर जाना जाता है, और वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है बच्चों, जिसमें कि हर बाघ अभयारण्य इसमें शामिल किया जाता है हर देश का, तो इस तरह से भारत का, भारत में सबसे ज्यादा बाघ भी है, पता है आपको, पूरे अगर विश्व में देखें तो लगभग 74% बाघों की संख्या हमारे भारत में स्थित है, उसके बाद अन्य जो 26% है लगभग वह अन्य देशों में स्थित है, सारे विश्व में मिला के। तो बच्चों आपको याद रखना है, बाघ
देश या फिर बाघ के बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है, बाघों का प्रदेश जिसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश को बोलते हैं, याद रखना, बाघों का भी और बाघों का भी, बाघ मतलब घना जंगल वहां पे ज्यादा है, इस तरह से समझ जाना बच्चों। अब भारत के 14 बाघ अभयारण्य जो है वो कैट्स में शामिल है, तो उसमें क्रम से हम सारे को याद करेंगे किस राज्य में है ये भी देखेंगे। तो देखना औरंग टाइगर रिजर्व है, पर सबसे पहले औरंग टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ये तीनों के तीनों बच्चों जो है असम राज्य में स्थित है। भाई कहां पर? असम राज्य में। असम राज्य में भी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान जो बनाए गए हैं बच्चों, याद रखना, 6 नंबर का और 7 नंबर का, क्या नाम है? रायमोना और दिहांग पटकाई। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो कि 6 नंबर का और दिहांग पटकाई जो कि 7 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, कहां पर बनाया गया है? असम में ही बनाया गया, याद रखना। ये तीनों के तीनों जो टाइगर रिजर्व है वो असम में स्थित है, असम में स्थित है बच्चों, इसको याद कर लेना, यहां से प्रश्न बनते हैं और बनेंगे भी भाइयों। इसके बाद आगे चलें तो आगे आ जाता है मेरा कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा। बच्चों देखना, जो सतपुड़ा है ना, ये तो हमारा, अगर बात करें सतपुड़ा श्रेणी जो होती है वो हमारा पाया जाता है महाराष्ट्र में, सतपुड़ा श्रेणी। लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की जब भी बात होती है तो याद रखना, दिमाग खोल के रखना बच्चों, वहां पर दिमाग नहीं बंद होना चाहिए, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा, ये तीनों के तीनों जो टाइगर रिजर्व हैं वो पाए जाते हैं हमारे कहां पर? मध्य प्रदेश में बच्चों, याद रखना, मध्य प्रदेश का ये तीनों के तीनों टाइगर रिजर्व हमारे कैट्स में शामिल हैं, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी भाई, एमपी इस तरह से बच्चों लिख लेना, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के तीन, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हमारे कैट्स में शामिल हैं और ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, याद रखना बच्चों। इसी क्रम में आ जाता है पेंच टाइगर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर है, जो कि एक पता है आपको, एक तरह से अभ्यारण भी है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान भी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैलाव है इसका। लेकिन अगर यहाँ पे आता है कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो याद रखना पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच वाला जो एरिया है वह बच्चों कहाँ पे स्थित है? वह ज्यादातर महाराष्ट्र में स्थित है। इस वजह से इस तरह से क्रम में याद रखना, जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो हमारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, यहां से याद रख लेना बच्चों, यहां से प्रश्न बनते हैं महाराष्ट्र में। कुछ बच्चों का कहना है कि सर इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है, हम बता देते हैं बच्चों, देखना पहले से इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है बच्चों। इन सीटू का मतलब होता है ऐसे संरक्षण, ऐसे मतलब जीवों का जो संरक्षण किया जाता है उनके ही अगर प्लेस में, उसके ही रहनवास में जहां पे वह रहते हैं पहले से, अगर उनके ही घर में अगर उनका संरक्षित कर दिया जाता है उसे बोला जाता है बच्चों इन सीटू, मतलब उनके ही प्लेस पर उनको संरक्षित कर दिया गया, आना जाना या फिर जो रोकथाम है सब कुछ पाबंदियां लगा दी गई। लेकिन अगर यह बात करें एक्स सीटू क्या होता है, एक्स सीटू का मतलब उनको उठाकर या फिर बहुत ज्यादा खतरा उतरा होता है वहां पर तो उनको उठाते हैं, कई दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, गाड़ी मोटर जो भी होता है बड़े बड़े ट्रकों से उनकी ढुलाई होती है। जैसे गैंडे की बात करें बच्चों, मतलब वन हॉर्स राइनोसोरस जो कि असम के किस जंगल में पाया जाता है भैया? काजीरंगा में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहाँ पे वन हॉर्स राइनोसोरस के लिए बहुत ज्यादा यह फेमस है बच्चों काजीरंगा, जो कि असम में स्थित है। और यहाँ सर, यहाँ पे जो संरक्षित किया गया है वह इन सीटू है, हमारे जो गैंडे हैं बच्चों, मतलब वन हॉर्स राइनोसोरस जो है उनका यहाँ पर बच्चों इन सीटू की कंडीशन में इनको रखा गया है, मतलब कि यह अपने ही प्लेस पर स्थित है। इस तरह से अगर मध्य प्रदेश की बाघ की बात करें, से आपके पश्चिम बंगाल में बच्चों जो कि रॉयल्स बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, उनका भी वह इन सीटू है, उनको उसी जगह संरक्षित कर दिया गया है। तो इस तरह से, या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जिस जीव को, उसको उठाकर कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसको बोला जाता है एक्स सीटू। तो समझ में आया एक्स सीटू इन सीटू क्या होता है? पूछ लेगा तो बता देना बच्चों, क्योंकि यह हमारे कोडिंग में आ जाते हैं, कोड में दे देगा 4-5 तो उसमें यह सब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं टेक्निकल, थोड़े से अगर आप डीपली अध्ययन किए रहते हैं तभी जाके इसमें सफलता पा पाते हैं ना। इसके बाद आ जाते हैं अन्नामलाई मुदुमलाई। इसके नाम से ही फेमस है, सिर्फ दक्षिण भारत का कोई ना कोई होगा भाई, देखना अन्नामलाई और मुदुमलाई। अन्नामलाई का मतलब हो गया तमिलनाडु का और मुदुमलाई का मतलब भी तमिलनाडु का। बच्चों याद रखना अन्नामलाई और मुदुमलाई दोनों टाइगर रिजर्व कहां पर हैं? यहां पे दोनों तमिलनाडु में स्थित है बच्चों। कहां पर स्थित है भाई? तमिलनाडु में स्थित है। इसको आपको रट जाना है जुबान पे, बिल्कुल सेंटो फ्रेश नहीं खाना है कि जुबान बंद हो जाए, जुबान पे लप 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 आए बच्चों, ऐसी कोई टॉफी खा लेना जो कि लप लपा रहे है। इसके बाद हम बात करते हैं वाल्मीकि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। वाल्मीकि एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो कि बिहार राज्य में स्थित है बच्चों, बिहार में स्थित है, इसको याद कर लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, बिहार राज्य का एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्या कैट्स में स्थित है? तो बोलेंगे बिल्कुल कैट्स, मानक कैट्स जो है उसमें स्थित है बाघ अभयारण्य वाल्मीकि, जो कि कहाँ पे स्थित है भाई? बिहार में स्थित है, याद रखना बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिखना। उसी क्रम में आगे चलते हैं तो लखीमपुर खीरी बच्चों, यूपी की लखीमपुर खीरी में बच्चों, याद रखना कौन है लखीमपुर खीरी से बताना, यूपी के लखीमपुर खीरी में बच्चों दुधवा नेशनल पार्क स्थित है और यह दुधवा नेशनल पार्क भी कैट्स के मानक में आता है बच्चों, याद रखना कैट्स
यानी कि लखीम को अगर अगर बात करें अपनी यूपी का बच्चों, तो दुधवा टाइगर रिजर्व ही स्थित है। और एक और है बच्चों चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है बच्चों, जो कि हमारे बनारस के थोड़ा सा आगे चंदौली पड़ता है, एक जिला वहां पर स्थित है। पहले चंदौली बनारस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसे काटकर अलग से बना दिया गया है ना। तो चंदौली जैसे कि कुछ मानक तय होता है, 10 लाख से ऊपर अगर आबादी हो जाती है तो उसे अलग एक तरह से जिला बना दिया जाता है इन लोग का। तो यूपी में जो बनारस उसको काटकर चंदौली बनाया गया है। इस क्रम में याद रख लेना, चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा एक तरह से नेशनल पार्क है बच्चों। दुधवा नेशनल पार्क को थोड़ा सा हिस्सा काटकर दुधवा टाइगर रिजर्व कर दिया गया उसे। तो लखीमपुर खीरी में वो स्थित है, और जो चंद्रप्रभा है दूसरा वो चंदौली में स्थित है। चंद्रप्रभा हमारा टाइगर रिजर्व नहीं है, बस हम आपको याद करने के लिए बता दिए, बस उस तरह आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आप याद रखना सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व बच्चों ये किसको नहीं पता है, सुंदरबन का डेल्टा आपको पता होगा ना, जो कि सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं तो वहां पर पद्मा का निर्माण होता है बच्चों, है ना। तो याद रखना बच्चों, यानी कि जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है भाइयों, वो कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, या रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, तो परम्बिकुलम बच्चों ये नाम से भी फेमस है, आपको पता है जैसे अन्नामलाई मुदुमलाई, जितने मलाई से आते हैं तमिलनाडु में चला जाता है उनका हिस्सा। उसी तरह बात करें परम्बिकुलम बच्चों, तो याद रखना परम्बिकुलम जो होता है, जो स्थित है टाइगर रिजर्व, वो हमारे केरल राज्य में स्थित है बच्चों। याद रखना वहाँ पे शिक्षा जगत को लेके बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है बच्चों। वहाँ पर अगर बात करें सेक्स रेशियो भी बहुत ही बेहतरीन है, और इस बार भी बच्चों कहा जा रहा है सेक्स रेशियो जो भारत का बढ़ने वाला है वह 1000 पर 1020 होने वाला है बच्चों, है ना, मतलब 1020 लड़कियों पर 1000, इस तरह के कुछ रिकॉर्ड हमारे सामने आ सकते हैं बच्चों। क्योंकि कुछ दिन में या फिर कुछ सालों में या फिर 10 सालों में बच्चों लड़कियों का कंडीशन बहुत ही अच्छा सुधरा है, उनके पढ़ाई लिखाई से भी लेकर और हर एक चीज़ में, व्यवस्था के रूप में लेकर भी हर एक चीज़ में उनकी जो मानक है वो बढ़ा है। इस बार जो जनगणना होगा उसमें हमको अच्छा सा निष्कर्ष देखने को मिलेगा, या फिर बराबरी का माहौल देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा अच्छा चीज़ है भाई, जहाँ पर बराबरी होते हैं वहाँ पर, या फिर जहाँ पर यह बराबरी का मामला हो जाता है ना, वहाँ पर उस देश की जो मतलब कि इकोनॉमिक्स होती है वह ऊंचाइयों को टच होने लगता है बच्चों। यह सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब कितना ऊंचाई पर आप लोग देख ही रहे हैं। क्या रखना बच्चों, परम्बिकुलम, परम्बिकुलम जो है वह केरल में स्थित है, और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है बच्चों। इसी प्रकार से बांदीपुर टाइगर रिजर्व बच्चों जो कि कर्नाटक में स्थित है, नाम से ही फेमस है, आप लोग को पता होगा। अब 51वें नंबर का देखना, अब ये तो रह गए 14 के 14, आपको याद हो गया। 14 के बाद जो 3 नए बने हैं बच्चों, 50 तो पहले से थे हम आपको बता दिए, और जो 3 नए बने हैं उसको याद रखना, फिर से हम आपको याद दिलाते हैं, तीनों के तीनों याद रखना बच्चों। 51वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व है श्री वल्लीपुरा, क्या बच्चों, श्री वल्लीपुथुर करके है, अभी पूरा करके है, श्री वल्लीपुर है ना, हम बता देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर हम। तीनों के तीनों आप रट लेंगे, 51, 52, 53, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, श्री वल्लीपुथुर मेघामलाई, श्री वल्लीपुथुर मेघामलाई बच्चों, इसको याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। यह पहला हो गया बच्चों, ये कहाँ पे स्थित है, मलाई करके आ गया बच्चों ना, तो याद रखना तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में भी दो हमने अब और आपको बताया था, क्या क्या बताया था बच्चों, अन्नामलाई और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में तीसरा भी है, याद रख लेना बच्चों। श्री वल्लीपुरम मेघामलाई बच्चों कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद दो नए हमने बताया, 51वें नंबर का है बच्चों, या 51वें नंबर का है, और 52 नंबर यानी कि सेकंड की बात करें, 52nd की बात करें बच्चों, उसका नाम याद रख लेना, रायगढ़ विषधारी बच्चों, रायगढ़ या फिर रामगढ़ करके है, रायगढ़ याद रखना, रायगढ़ विषधारी बच्चों बूंदी में स्थित है, रायगढ़ विषधारी ये कहाँ पे स्थित है बता देना बच्चों, ये बूंदी में स्थित है। बूंदी कहाँ पे पड़ता है बच्चों, ये हमारे राजस्थान, हमारा राजस्थान बच्चों, राजस्थान का बूंदी एक जिला है बच्चों, याद रख लेना, बूंदी में पड़ता है, राजस्थान का बूंदी पड़ता है बच्चों, बूंदी में पड़ता है। इसके बाद 53rd की बात करें बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रख लेना, ये अभी हाल ही बना बच्चों, ये हमारे छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का बच्चों, इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम है गुरु घासीदास बच्चों, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है बच्चों, याद रखना, छत्तीसगढ़ बच्चों, सोरेन करके है ना वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, तो याद रख लेना उनके ही राज्य में एक नया बनाया गया बच्चों, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, और 52 नंबर का रायगढ़ विषधारी, और इसके बाद 51 नंबर का श्री वल्लीपुर मेघामलाई बच्चों, इसको याद कर लेना, यहाँ से क्रम से आपको याद हो जाएंगे। 53 के 53 बच्चों नहीं याद करने हैं, 14 या और प्लस 3 याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं, आप उड़ा के आओगे चुटकी में बच्चों। इसके बाद हम एक लाने वाले हैं बच्चों, ब्लू टैग प्रमाणन जिसे दिया जाता है बच्चों, जो हमारे तटवर्ती राज्य होते हैं ना, वहाँ पर जो बीच होते हैं, बीच बच्चों बीच होते हैं जो ना, उसको ब्लू टैग का प्रमाणन दिया जाता है। 33
तैतीस क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो कर लेता है, जो उसको ब्लू टैग का प्रमाणन दे दिया जाता है। मतलब जो इंडिया में बीचेज होते हैं, जैसे गोवा वाला बीच, बच्चों गाना आपने बहुत सुना होगा, तो उस वाला बीच को बच्चों वो अगर ब्लू टैग प्रमाणन मिल जाएगा तो मतलब उसके लिए बहुत सारे कंडीशन फॉलो करने होंगे उसे। मतलब 35 कंडीशन रखा गया है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और यह जो जब प्रमाणन मिल जाता है ब्लू टैग का बच्चों, तो उसे हम राष्ट्रीय न करके अंतर्राष्ट्रीय बीच कहते हैं। वहाँ पर हमारे एक तरह से कह लीजिए कि जो हमारे टूरिस्ट होते हैं उसकी संख्या बढ़ती है और भारत को फायदा होता है, इकोनॉमिक्स रेट में और बहुत सारी चीज़ों में फायदा होता है बच्चों ना। तो इस तरह से आप याद रख लेना इसे। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लू टैग को लेकर, धन्यवाद।